हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप चैनल पे नए हैं तो आज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो गाइस, इस वक्त जा रहे हैं हम चपड़ा, जो कि 70 किलोमीटर दूर है। छोटा सा सफ़र करते हैं और छोटी सी जर्नी करते हैं और चलते हैं। चले मामा, चलो चल, चलो ठीक है, चाय मिलते हैं फिर। तो गाइस, थोड़ी सी दूरी चलने पे, मतलब 7 से 8 किलोमीटर चलने पे ये राजस्थान बॉर्डर आ चुकी है, जो कि ये राजस्थान का बॉर्डर भी लग रहा है। और चलते हैं गाइस। और मामा जी, कितना सफ़र हो रहा है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर का और सफ़र रहा है, मतलब 60 ही मान लो, 10 तो हमने चल चुके हैं और 60 और मान लो 70 किलोमीटर का टोटल सफ़र है और ये राजस्थान सीमा पे आ चुके हैं। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस, 30 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, जो कि पानी के लिए लिया है, क्योंकि हम पानी पियेंगे। अब मामा जी पी रहे हैं। तो गाइस, हमारी थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग अर्जुन वर्मा जी ने करी, तो इनके लिए थैंक यू अर्जुन वर्मा जी। वेलकम भैया जी, वेलकम। और कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं बारह। बारह? आप बारह में ही रहते हो क्या? नहीं, बारह के पास में है गाँव। वैसे तो मांगरोल तहसील पड़ता है, पर जहरीला से है वैसे। चलो ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। तो गाइस, चपड़ा तो आ चुके हैं और गाड़ी सर्विसिंग पे रख दी गई है और भैया सर्विसिंग कर रहे हैं और मैं और मामा जा रहे हैं टेकरी पे, जो कि हनुमान जी का स्थान है, और शायद चलते हैं फिर मिलते हैं। चढ़ाई तो बहुत सीधी है, पता नहीं कैसे चढ़ पाएंगे। अभी तो थोड़ी सी दूरी चढ़े हैं, अभी तो दूरी पर रहें और पहली बार जा रहे हैं यहाँ पर चपड़े के टेकरी के सरकार के स्थान पर। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर। तो आज अभी हमें चल चल के तो पसीना आ गए। और मामा, आपको कैसा लग रहा है? अरे ठीक, गलती करती मोटरसाइकिल नहीं लाए। मोटरसाइकिल पहले अपन को टेकरी के दर्शन कर दिया आना थी, फिर उसके बाद चलना थी अपन को। ठीक है, अभी तो कड़ाके की धूप भी पड़ रही है और टेकरी के तो भैया वो रहा मंदिर, अभी तो हमको दिख भी नहीं रहा है। चलते भाई, अब आ तो गए, करेंगे वाली सरकार के दर्शन। अभी तो भाई इतनी स्टेप और चढ़ना है, थोड़ी सी हो रही है, ज़्यादा दूर भी रहेंगे। चले मामा जी, चले, चलो। तो आज पहुँच तो चुके हैं, बस थोड़ी सी और स्टेप रही है, जो कि बोरा मंदिर बस थोड़ी सी हो रही है। मामा कैसा लग रहा है? पसीने से लथपथ हो गए। चलो ठीक है, आज मिलते हैं फिर मंदिर की तरफ। आज अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब चढ़ रहे हैं ऊपर, अब बस थोड़ा सा और सफ़र रहा है जिसको हम पूरा करते हैं और चप्पल को निकालते हैं, शूज को निकालते हैं। तो गाइस, मंदिर पे पहुंच चुके हैं। मंदिर पे पहुंचने के बाद एक अलग सी और एक अनोखी सी शांति मिली। पहले दर्शन करते हैं श्री रामदास जी हनुमान जी की, फिर उसके बाद हैं श्री मावा महाकाल जी, फिर उसके बाद हैं माँ वैष्णो देवी। बोलो जय श्री हनुमान जी, जय श्री महादेव जी, जय श्री माता जी की। तो गाइस, भगवान के दर्शन तो कर लिए, अब चलते हैं गाइस नीचे। और ठंडा मौसम भी हो गया और आपको मैं पूरा ये छबड़ा का नज़ारा दिखाता हूँ, जो कि कैसा हो चुका है, कैसा क्या हो चुका है, मतलब पूरा शहर है। तो देखिए आप, पूरा ये देखिए, पूरा पूरा शहर है, क्योंकि ये छबड़ा है, बहुत बड़ा शहर है, छोटा तो नहीं है। गैर बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे, अच्छा है छबड़ा भी, मैं तो पहली बार आया हूँ। तो गाइस, बाइक की सर्विस करवाने के बाद हम आ चुके हैं गायत्री मंदिर पर, जो कि माता जी का स्थान है, जो कि आपको छबड़े रोड पे दिख जाएगा। जहाँ से हमने सर्विस करवाई थी वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं ये गार्डन भी है इसमें और ये मंदिर भी रहा, बढ़िया मंदिर है गाइस। आप अभी आएँ तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस, छबड़ा का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से और फिर करते हैं घर की तरफ। ठीक है, और चलें, चलो चलो। तो गाइस, छबड़ा से पहले एक मंदिर पड़ता है, जो कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने बनवाया था, उसके दर्शन करने चलते हैं।
वहाँ चले गए हैं कटरमल जी महाराज के यहाँ पर, जो कि ये मंदिर रहा, बहुत खूबसूरत मंदिर है, और जिन्होंने बनवाया उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, जो कि ये रही इंदौर के रहने वाले। तो गाइस ये महाराज जी हैं, जो कि ये राम दरबार कटारू जी महाराज का मंदिर है ये। तो महाराज जी इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कटारमल जी महाराज ये कुल देवता है कैलाश विजयवर्गीय जी के, राष्ट्रीय महासचिव है इंदौर से। अच्छा, अभी दोनों के कुल देवता है, पहले के पूर्वज उनके रहने वाले इसी गांव के थे। अच्छा अच्छा, उस वजह से उन्होंने ये मंदिर बनवाया है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, और साल में एक बार ये कार्यक्रम भी करते हैं यहाँ पे, 26 फरवरी को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है मंदिर की। अच्छा अच्छा, तो पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर शर्मा। महावीर शर्मा जी, तो पंडित जी आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद और जय श्री राम। तो गाइस ये कैलाश विजयवर्गीय के पिताजी की और माताजी की प्रतिमा है। तो गाइस ये यहाँ पे बनाया था, जो कि कैलाश विजयवर्गीय ने रुकने के लिए व्यवस्था बनाई थी, जो कि पहले तो वो टेम्परेरी वो बनाया था, उसके बाद जो कि काम चला फिर ये व्यवस्था बनी है, जो कि उनका ये एक छोटा सा घर भी मान लो। तो एक आज आप छबड़ा से आ चुके हैं, और छबड़ा में यार दो तीन मंदिर पे गए थे। सबसे पहले मंदिर पे गए थे, जो कि टेगरी सरकार का मंदिर था, फिर उसके बाद गए थे जो कि गायत्री मंदिर था, उसके बाद गए थे महावीर जी के मंदिर पे गए थे, फिर उसके बाद फिर आ गए हम घर पे और गांव पे आ चुके हैं। और यहाँ पे सब लोग हैं, योगेश भाई है, सोनू भाई है, किशन भाई है, शुभम भाई है, कुछ ले रहे हैं। तो इन सब ने तो गाइस आज वैक्सीन लगवा ली, हम तो नहीं लगवा पाए क्योंकि हम छबड़ा चले गए थे और छबड़ा में बहुत मज़ा आया, बस सर्विस में थोड़ा टाइम लग गया था। तो कैसा क्या लग रहा है तुम्हें वैक्सीन लगवा के? वैक्सीन से काफ़ी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अच्छा, नशा सा आ रहा है। हाँ, तो किशन भाई को नशा सा आ रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, और शुभम भाई तुम्हें कैसा लग रहा है? ये भी बिल्कुल इसी टाइप का लग रहा है। बिल्कुल इसी टाइप का, बिल्कुल सेम टू सेम शुभम भाई को भी ऐसा लग रहा है, आलस से में है ये। और सोनू भाई तुम्हें? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है तुम्हें। और तुम्हें योगेश भाई? यार ढिल्ले हो रहे हैं और तंग आ रही है, यहाँ पे दर्द कर रहा है। अच्छा, छुएंगे तो दर्द करता है कि नहीं करता? ऐसे तो नहीं करता, पर वो लग रहा है, महसूस हो रहा है। अच्छा, महसूस हो रहा है। तो अब अगला डोज कब लगेगा? अगला डोज पता नहीं यार, कितने महीने बाद लगता है। अच्छा, शुभम भाई को पता है? लगभग 85 दिन बाद आएगा, लगभग 3 महीने बाद। तो गाइस अगला डोज 3 महीने बाद लगेगा, अभी तो अपन लगवा नहीं पाए। और अनिल वगैरह ने सब वगैरह सब लगवा लिया, लगवा लिया अनिल वगैरह, पता नहीं। तो अभी लग रहा है डोज? कल परसों लगेगा, परसों लगेंगे हम। तो गाइस हम तो नहीं लगवा पाए, अब शायद गुना जाके लगवाना पड़ेगा, क्योंकि आज छबड़ा निकल गए थे इस वजह से नहीं लगवा पाए। तो मिलते हैं गाइस बाद में। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड टाटा एंड बाय बाय।